बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपके साथ क्या बना शेयर करने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ ये मटन। हाँ मटन है, चिकन नहीं है, भूल ना जाओ। मैं मटन की ग्रेवी यानी कि करी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं रेसिपी कैसे बनाऊँगी। ये जी 1.5 किलो मैंने रान का गोश्त ले लिया है। रान में क्या होता है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नलियाँ होती हैं रान में, ठीक है, मछली होती है, रान का गोश है, बड़ा मज़े का बनता है। तो चले आए मेरे साथ इसको कैसे बनाते हैं। रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक बर्तन चाहिए और एक कप देसी घी। हाँ जी, घी गर्म हो गया है, इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। एक टेबल स्पून नमक। गोश्त को इलायची और जीरे के साथ अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेंगे। घी में भूनना है, फ्राई करना है। जो घी हमने 1 कप डाला उसी में हमने इसको फ्राई कर लिया। मटन करी की रेसिपियाँ मेरे चैनल के काफ़ी हैं, लेकिन जब भी मैं नए तरीके से करी बनाती हूँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी मैंने नए तरीके से बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दूँ। मटन को हमने घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। हल्का हल्का सा जैसे ही कलर आएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे गोश्त को। इंशाल्लाह जी 500K मेरा जो हो गया है चैनल पे सब्सक्राइबर हो गए, उसकी सेलिब्रेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी, आप लोगों की पुरजोश फरमाई पे। और आपने उस मेरे उस वीडियो को बहुत बहुत प्यार देना है, क्योंकि आपकी फरमाइश पे मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगी। अगर आपने उस फैमिली को एक दिन में आप मिलियन पे ना लेके जाएं, तो मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊँगी। यहाँ पे आप देखिए, अभी ये आपको ना ये घी का जो कलर है वो दूधिया दूधिया सा नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसके अंदर पानी है। जब तक इसका घी का कलर क्लियर नहीं हो जाता, अपनी सही हालत में घी का कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने इसको फ्राई करना। ये ले जी देखें, जो घी का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि इसका ये अच्छी तरह से गोश्त भून चुका है। अब हमने क्या करना है, ये लें जी इसमें से, अब हमने क्या करना है, इसमें से गोश्त को बाहर निकाल लेना है। इसको आपने ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे ही घी का ये देखें ट्रांसपेरेंट हो, आपने मटन को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए मटन का पानी भी खुश्क हो गया, और ओवर हमने इसको बुनाई भी ओवर नहीं की, तो आपने भी इसी तरह से करनी है। ये ले जी मटन को मैंने निकाल लिया बाहर। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, बारीक कटिंग मैंने कर ली है, इसको घी में डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं गोश्त से पहले प्याज को फ्राई कर लेती और अब मैं जो गोश्त के बाद फ्राई कर रही हूँ, इन दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। आप ये टिप आजमा के देखिएगा, क्योंकि फ्राइंग से पहले का जायका और गोश्त के बाद वाली फ्राइंग का जो जायका, दोनों में फ़र्क होगा। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप, मैं जो भी करी बनाती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ, आप उसको ट्राई ज़रूर किया करें। ये नहीं कि आपने पहले इस तरह से बनाया तो बाद में इस तरह से बनाया, आप दोनों का कंपेयर करेंगे, आपको टेस्ट में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों से हर अपना तरीका शेयर करती हूँ। ये नहीं कि जायके में कोई फ़र्क होगा, टेस्ट दोनों एक्सीलेंट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लेकिन जायके का जो होगा वो फ़र्क होगा कि इस तरीके से या उस तरीके से, उसका अपना टेस्ट होगा, इसका अपना टेस्ट होगा। ये लें जी देखें, प्याज में हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे 1 बल्ब मैंने लहसुन का ले लिया है, वो शामिल कर देंगे। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, लंबा लंबा मैंने काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। और इसको भी थोड़ा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए जी, एक से डेढ़ मिनट, दो मिनट मैंने इसको लहसुन को भी भून लिया है। यहाँ पे भूनने के बाद आप इसके अंदर दो अदद मीडियम साइज़ की टमाटर हैं वो शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। ये लें जी, टमाटरों को भी तकरीबन मैंने दो मिनट फ्राई कर लिया घी के साथ। अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इस मटेरियल को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये चेक करिए इस तरह से, सारा जो मटेरियल है वो हमने घी से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन होगा, आप इसको इसके साथ भी तो कर सकती थी, नहीं कर सकती क्योंकि टेस्ट मुझे वो नहीं आएगा अगर मैं इसको भी गोश्त के साथ गला लेती। जो टेस्ट मुझे पता है किस तरह से आना है, मैं वो वाला को तरीका बताती हूँ। ये ले जी, गोश्त को दोबारा उसी घी में डाल देंगे, दो ग्लास पानी के डालेंगे, चूल्हा चलाएंगे, हाँ जी मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून सूखा धनिया, फुल टीस्पून काली मिर्च और एक टीस्पून ज़ीरा, एक टीस्पून सुरख मिर्च, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। एक टेबलस्पून डाले, दो टेबलस्पून डाले, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। चलें जी, अभी इसको करेंगे मिक्स। हाँ जी, इसको मिक्स करने के बाद अब जो ये हमने लहसुन अदरक प्याज टमाटर हमने ब्राउन किए हैं, इसको हम ग्राइंड, फाइन ग्राइंड करेंगे। एलो शाही साहब एन ग्राइंड करके ले आओ, चल शाबाश। हाँ जी, मिक्स करने के बाद लो शाही साहब, ग्राइंड किया हुआ जो ये मसाला है शाही साहब ने ग्राइंड कर दिया है, अब ये इसमें शामिल कर देंगे। हाँ जी, फिर से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, इसको मिक्स कर लेंगे। क्वेश्चन आने हैं, भुना नहीं, गोश्त भी भुन चुका है, आपके सामने लहसुन अदरक प्याज भी भून लिया था, तो अब इसको दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इस गोश्त को 20 से 25 मिनट गलने के लिए। फ्लेम को स्लो से मीडियम करेंगे, कवर करेंगे और 25 मिनट तक इसको पका लेंगे। पकाने के बाद आपसे, यानी कि गोश्त गलता है तो आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अगर मज़ेदार किस्म की चिकन, क्या नहीं सॉरी, मैं एकदम, मैंने चिकन बड़ा याद आंदा जे क्या खाना है, मटन बोले ना, बोलते आकर मटन करी, मटन कड़ी जी, मटन करी, मटन कड़ी खानी है, करी नहीं, कड़ी नहीं, लाले तो बहुत ज्यादा शिदादे तो बहुत बोल रहे हैं, करी मटन करी खानी है तो हमारे साथ ही रहिएगा। भूलनी है तेन, खुआते देनी है ना, आज कोई ड्रोना खुआते नहीं, देख लिया, देखिया सी मैंने, इत अख लग गई, मेरा ख्वाब तू आ गया, मैं आई करके उठ गई। चले जी, मिलते हैं 25 मिनट के बाद, कहीं मत जाइएगा, यहाँ के खाब ही आने शुरू हो रहे तो बंदा वाकई डर जाता जी। ये लें जी, 25 मिनट हो गए, क्योंकि गोश्त को मैंने फ्राई भी अच्छी तरह से किया था तो वो जल्दी गल गया है, ये आप चेक कर। एंड कमाल खुशबू है, कमाल की खुशबू है। चलें जी, अब हमने इसमें लास्ट में क्या डालना है, ये जी लास्ट में थोड़ी सी, ये देख लें कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, हाफ टी से भी हाफ टी है, ये जायफल और जवत्री का पाउडर है, ये शामिल करेंगे इस तरह से हल्का सा, और हाफ टी स्पून ही ये गरम मसाला है पीसा हुआ वो शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे ताकि टोटल करी के अंदर जो है ना हमारा फ्लेवर आ जाए। घी आप देखें ऊपर आ चुका है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, गोश्त ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। ये ले जी, मिक्स कर दिया है, गरम मसाला जायफल जवत्री डाल के एक मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है। अब क्या करना है, चूल्हा कर देना है बंद
और इसको गर्मा गर्म हमने क्या करना है, प्लेट के अंदर डाल के शाहिद साहब को पेश करना है। ये चेक करें टेंडरनेस गोश की। ओए होए होए होए, कसम से मुंह में पानी आ गया, पानी आ गया। अब चेक करें, ये करी आपने खा ली ना, आए तो आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ साथ ही रहना। ये ले जी, ये ऊपर से देसी घी का तड़का, ये चेक करें। पेट भर के अपना बैठ गई हूँ, मुझे पता है इसका किसने ये करतूत करनी का। नहीं, क्या करतूत की यार, मैं ना ये देखे थे नाक से लग गए यार, ठंडा नहीं खा सकती। अब नान निकालो इससे पहले कि ठंडा हो जाए यार, ऐसा ना करे अगर कि नाक नु लग गया, मैं खाना नहीं। सर्दी है, घी है, जम जाता है। नहीं जमता यार, पकांदे पकांदे चंगे चंगे बोटियां सारियां खा गई विचो काट के, वैसे छोड़ देंदी ते और की हड्डियां हड्डियां मैं ते पाती। आज मैं अपनी जगह ना किसी और को चखा देती हूं, टेंशन ना ले। बता नहीं सकती, मैं पहले खा लिया, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। इसके जो ड्रामे होते है ना, मैं ना उस पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोल लेते हैं, हाँ। मुंह ले लेते हैं, नजर ला लेते हो। मेरे वैसे भी पानी फेर आ रहे हैं ना, हूं तू रहन दे, हूं जेडी जोक बोटियां भी चंगी है भाई, वो भी तू फाड़ लेगी। चलो खा लेते ना, हां खा ले, आप ब्रीफिंग देती हो ना, हाँ, चल हूं मजे लेन दे मेनू। ला बे चला ही बड़े मजे आ रहे, बड़े मजे आ रहे, लो जी मजे रोग नहीं नहीं आ यार। ला ले तने में क्या सी रोग नहीं ना, तू जानबूझ के सादे नान मंगाए ने। ये पता क्या करता है, गाड़ी में बैठ जाएगा, नी उतर नान लेके आपको इसकी आहिस्ता आहिस्ता करतूते बिठाऊंगी। ये गाड़ी में बैठे होते हैं हो सारे, नी क्या है सारे, नी उतर नान लेके आ, नी उतर क्या लेके आ, क्या लेके आ, हर काम ओ चले चले, गड्डी का तेल भी बदलवाना होवे ना, गड्डी का तेल भी नी ले जा, हां तो पवा ले आवे जाके। की हो गया यार, इतने मुझे गल्ला करया कर लाले, एक तो तेरी रिस्पेक्ट करने है यार, तू ऐसे मुंह चले। ये ले जी, ये मेरी रिस्पेक्ट है, पहली दफा हर जगह मुझे आगे कर देते, खुद गाड़ी में उठे और नहीं ले आ जो नहीं जानना। यार पहली दफा तू नाल लेन गया, तू कहती मैं अपने मतलब से लवाने थे, जान पूछ के साधे नाल तू लेके आए, मैं एक ही बहाना सारा मेरा सालन ठंडा करा दे ना। नील मेरी जुत्ती सही नहीं उतरी थल्ले, मेरी शर्ट पूरी नहीं उतरी थल्ले, आज की हो गया, लेकिन मैं कहता मजे बड़े आने। लाले सह ले ले यार, तू ए चपोटी ने फड़ी लाले, मैंने जरा देख दे, देख कितों फड़ा कितों फड़ा यार, देख यह भी तू हड्डी वाली बोटी पाती, चल यार अही हड्डी वाली अज फड़ने आवे। सड़ गया यार लाले, चेक कर, कमाल कमाल है, कमाल है, कहने भी आंदे हो नाल एक बोनलेस बूट, आए बोनलेस बोनलेस भी चेक करते हैं जरा, ये चीज वो यार आला आला गुलाबे, वो गुलाबो गुलाबो यार, क्या गुलाबी गुलाबी कलर, नाल ना थोड़ा जा ऐ डबो के तरी वाला मसाला नाल, ऐ लो जी यार थोड़ा सा और ऐसे, ये चीज ये लो जी, चला जी हूँ स्पेशल बाइट, वो नहीं होनी स्पेशल नहीं होनी थी, मैं कहना अन्नी पैन लगी मेरे हिस्से का पे खाना ना, तो मैं ही तुम खवा देनी यार, खोल मुंह खोल खोल, लाले दिल कट रहे ना कर। हाँ कैसा लगे, एंड आप कहेंगे खा नहीं रही, मैं खा के पेट भर के बैठ गई हूँ, मैं ओवरलोडिंग नहीं कर सकती। इतना कमाल का बना, इतना कमाल का बना है ना कि बस आहो आहो आहो। हम्म,
ये गेम मन मन लग रहा है मैं किसी भी वलीमे पे बैठा है ऐसी चीज बन के तेरा ही वलीमा है अभी इसका वलीमा आप सारे इसको कहे वलीमा अपना कर ले अभी ये शादी कर ले कर हम तो घर अच्छा लागी खा के ना बोली घर वाले क्या कह के तंग पड़ गए आप ही कोई इसको समझाओ वो समझ जाएगी यार इसको समझाए कोई अब बाजी बस कर दे की हो गया यार यार खान दे टाइम तू की लेके बैठ गई यार अच्छा मैं खान दे टाइम तक की लेके बैठ गई हां ये मतलब ये चीज बनी तू ऐसे रोना शुरू करता है ये बच्चे होनी मैं की हो गया बुड्ढी ना तेरा हिस्सा नहीं खोले खोले यार ले 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 यार मैं होनी बच्चा मैं अपनी गल्ला नहीं बच्चे ने करी तेरे बच्चे दी ना मैं आहो यार ए दे ये देखे तेरे चक्कर ही मोटी रह गई यार दूजी हड्डी चूस यार लाले तो दो चार हड्डिया भी पा दी हो गया हाथ देखे इसके अच्छा मैंने बुलाया ना मेरी चोर कितने ने देखे ना मैंने भी हाथ पा दिया तो तुम मुर्गी मेरे मुंह ही पाए ने है देख हम लो जी स्पेशल बाइट हड्डियां तो कितने रखी ने प्लेटा तो प्लेट कोई नहीं सी भरी यार भर ले ना निकी हो गया यार ये प्लेट ही है कि टेबल है कि हो गया रख ले तो की हो गया देसी मोले की है इधर डिस्प्ले बना ले जरा यार सब्र कर ले लो जी उन्होंने मजे आ रहे बड़े डिस्प्ले बनांदा खांदे आया भी एन डिस्प्ले चाहिए यार मजा आता है यार एनी मैंने ना रोटी पक दी बंदा जरा डिस्प्ले बना के खावे ले चेक करो चेक कर लाल चले कोण में बुटी रौनक तो देखो जरा गोल बोटी आ गई जी हत लो जी एक और गोल बोटी आई जी हत लो जी सिंगल टच होने लगा जे सिंगल टच यार गुलाबो गुलाबो निकले अंदरों काम तो यार मजे बड़े आने इतों ही पालो ए चेक करो जरा मैं कहना एन भी तोड़ना इधर इत स्पेशल बाइट है यार आए 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 एन भी फुल लोडेड बाइट लो जी हूँ चली जाए ओए 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 लाले तेरा ओम तो बगैर तेरी मुर्गी अंदर नहीं जाती पालन यार ਹੱਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਚ ਓਏ 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 ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਪੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਆ ਕੱਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਕੋਣ ਹੈ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆ ਚ ਦਾਦਾ ਆ ਚ ਦਾਦੇ ਚਲੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਥਾ ਨਾ तो इनसे मिले ये मेरे हस्बैंड अस्सलाम वालेकुम मैंने आपसे कहना था मेरी यूट्यूब फैमिली क्या हाल है आपका कैसी तबीयत है आप सबकी बहुत खुशी हुई है और बड़ी खुशी ये है कि दोनों की वजह से आप मुझे जानते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ आज से जज्बात ये होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जो खुशी हम शेयर करें ना तो वो उसमें दुगना इजाफा होता है आज से सारे फैमिली के साथ शेयर करने ये खोल के पता लगे
ਔਰ ਜਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਮਸੰਗ ਲਿਖਾ ਸਾਮਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਮਸੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੋਲ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਜਰਾ ਚਲੋ ਔਰ ਬਸ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਰੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਪਰੇ ਕਰੇ ਪਰੇ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਪਰੇ ਹੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਰ ਜਰਾ ਖਸਮ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਖੁਆ ਪਰੇ ਯਾਰ ਪੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਈ ਦਾ ਅੱਛਾ चौकड़ी मार के बैठ यार पहलवान है कोल मदरसा साइड ते कर टेबल साफ कर अदे मैं करा यार चलो ला जी आन भाई मैं कहना चेक करिए जरा अच्छा चार्जर मोबाइल चार्जर मैं कहता और की अंदर जिंदे कटिए यार किथी है ओए 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 लो जी बाजी बा जबरदस्त जबरदस्त जरा देखने हैं एनवी कैची ना यार है तू ये जी वाह जी वाह बड़ा सैमसंग होते मियां साहब बड़े ओए 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 ये तो लगता है जैसे कमांडो ड्रेस पाया है मियां साहब ये की कटिया जी लो जी ओए 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 एंड 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 S24 यार इसको ना ऐसा करता हूँ ये साइड से यार लिखा क्या होवे कल दे अल्ले लाले पड़या तेरे को जाना नहीं इसको ये उतरेगी सील ये ऐसे चल, ये ले चल खैन फिर देखी जाएगी आज ये चीज आज ओए उसको रहने दे अकल होवे ते चाहिदा की बोले एकदम ठीक है लाले ओए ओए लाले की चलो यार लाले मैं कहना लो जी ओनो ओन लगा जे ये ओए ओए आगे निकले ओए अच्छा माशाल्लाह 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 मैं कहना एंड एंड यार लाले कलर की है यार बड़ा जबरदस्त मैं कहना टाइटेनियम ग्रे है ओ टाइटेनियम ग्रे यार मैनू समझ नहीं आ रही मैनू भी चाहिए मैनू भी दो ले आ गए यार मेरा नहीं पता मैं नहीं पता मैं कहना वो आया कि ना है मैनू भी पास तू भी मेरे वर्गा पेंड ही डोरी बार कटी कट बार इस तरह ए कटी का बताओ जबरदस्त कमाल का सेट है ले जी पाकिस्तान में आए होंगे मगर पहला वन टीवी वाला ओ मैंने भी आई लव यू है ओ मैंने भी कहो यार तुसी यार मेनू ओ मेनू बड़े-बड़े करते जे जबरदस्त खोल तू इसको वन टीवी का पहला सेट है जो पाकिस्तान में तुम्हें मिला थैंक यू सो मच ये खोल तू इधर से वन टीवी मेनू पढ़ा दियो यार अच्छा सब्र कर उतारते हैं यार सब्र अच्छा इधर उतार सब्र कर इधर उतार ऐसे ऐसे रख ऐसे और ये 45 वाट का चार्जर है ये यानी कि फुल पावर ओए नु एथे ला दो चार्जर भी दस ने यार नाल कीमता भी दस ही जा ये दिता जाए तो नाल कीमता मैं और तनु केरी कीमो 45 वाट का चार्जर है 45 वाट दा तो फलाने वाट दा तनु की है तू भी जो निकल साडे और तनु डालन नहीं क्या भगवान तनु चार्जर के है जो निकल ओए एवे निकल है ओ यार उसको ओपन कर यार ये ओपन ते कर दे सब्र कर ले ओपन करना है ले यार लाले ऐसा टेप लाई दी यार लाले ओए परे यार मैंने लान दे लाले ना इंज कर ओए 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 ओए
यार क्या ही बात है, मैं कहता हूँ एंड करते ही लाले, जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ अंदर ही फाड़ ले, मजा आ गया, मजा आ गया यार, मैंने ही पढ़ा दे यार, मैंने ही दे दे यार, ना इंद कर यार, बहुत कमाल का, थैंक यू मीना जी, ये जी मैंने दिया है ये खुशी में, ये गिफ्ट है 500 के, हमारी YouTube फैमिली हमारे साथ जुड़ गई है, ये इस सबसे खुशी के लिए, थैंक यू, ये मेरा गिफ्ट नहीं है, ये आप लोगों का गिफ्ट है, जो आपने हमारे सब्सक्राइबर इतने 500 के पे ले गए हैं, आप लोगों का गिफ्ट है, इसलिए हमारी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज एक फैमिली मेंबर से मिलवाया है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर से भी आपको मिलवाएंगे, आपसे शेयर करेंगे, अपनी मोटर बंद हो गई है, चलो मैं आ गया, तुसी बड़ी मोटर अपनी हो, बस और गिफ्ट है, और खुशी है आपके साथ मनानी है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, इंस्टाग्राम पे हमें जाके फॉलो कर कीजिएगा, ओके बाय बाय, तुसी आज टाटा बाय करो, आज टाटा बाय, मैं बढ़िया बढ़िया टाटिया फ्राई किसा लेके टाटा बाय, मुझे नहीं जानते मगर मैं आपके साथ अब सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि आप मेरी फैमिली है, आई लव यू, बाय, ओके ओके टाटा बाय, तू कह दे यार तू आ, ओके टाटा बाय बाय।